वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सत श्रीकाल, नमो बधाए, जीवन साथ सलम साथी वाह मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, हम उठाते गरीब हो गए आवाज, मजलूम हो गए आवाज, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानव वायु मानवता उठाता। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ में बैठे हैं सुखविंदर सिंह जी, इनके साथ बात करेंगे। सवाल जवाब होंगे तो ये जो बातें हैं सिखों के ऊपर कैसे लागू होती हैं, मूल निवासियों के ऊपर कैसे चल रहा है, तो सारा सिस्टम मतलब सारी बातें होंगी इसके अंदर। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद स्वागत करते हैं जी। सुखविंदर सिंह जी, आपका वायु मानवता स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मेघराज सिंह जी, आपको और आपके सारे सुनने वालों वीरों भाइयों बहनों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो पहला सवाल कर रहे हैं, जो ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव, इसको आप कैसे समझते हैं? ये ब्राह्मणवाद से पैदा हुआ है या मतलब ये सिर्फ कैसी चला आ रहा है शुरू से, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, अगर थोड़े टाइम में हम इसको खुलासा करना है तो जे सारा ब्रह्मिज्म ने कई सौ साल से चला रखा है, उसका एक ही मतलब है कि दूसरे लोगों को गुलाम रखना जी। अगर हम बहुत सारी बातें करेंगे उसका आंसर लास्ट में एक ही निकलेगा कि दूसरे को गुलाम रखना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना जी। तो परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने सभी को बराबर बना रखा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, डजंट मैटर वो कौन करता है, बाहर के देशों में भी ऐसा है, पहले इन देशों में भी किया जाता था, लेकिन इन्होंने ख़त्म कर लिया। तो अपने देश के अंदर ये अभी भी चल रहा है, उसमें अलग अलग कम्युनिटियों के अलग अलग लोगों ने बहुत कम जतन किया है जी। जे अगर हम ऊंचे समझने वालों ने किया, फिर जो नीचा अपने आप को समझते हैं वो मन में एक बना के ही बैठ गए हैं कि हम नीवे जी, वो मान के ही बैठ गए हैं कि हम छोटी जात के हैं, मान के ही बैठ गए हैं कि हम ऐसे ही थे, परमात्मा ने हमारे यानी उसकी कृपा है हम ऐसे ही थे। इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। हाँ जी, जैसे जैसे आप सवाल करोगे मैं मतलब अगर ये मतलब किसी ने को नीचा किसी को कह दिया है तो ठीक है, उसकी समझ हो सकती है, बेवकूफ हो सकता है, लेकिन जो जिसने नीचा मान लिया है तो इसका मतलब वो भी बेवकूफ समझ लो, उसके पास ज्ञान नहीं इसके बारे में। मैं सॉरी टू से कि वो उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। बुरा मत मनाना, जो अपने आप को मैं समझ रहा हूं तो तू छोटा बंदा है, पर तू तो बड़ा है। मैं कहने वाला, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मेरी मर्जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पर जो तू क्या ले रहा है वो तेरी मर्जी है जी। तो मैं कह रहा हूं तू छोटा बंदा है तो तू एक्सेप्ट कर रहा है ना जी, जी। तू अपने बर्तन में वो ही डाल रहा है कि मैं बोला कि तू मेरा छोटा बंदा है, तो तूने जो एक्सेप्ट किया तो बेवकूफ तू मेरे से बड़ा हुआ या मैं बेवकूफ बड़ा हुआ, ये समझने वाली बात है। मतलब बेवकूफ वो भी, उससे बड़ा बेवकूफ तो वही जिस चीज़ को मान के बैठा है। तो अगर बात रखते हैं इसमें और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि चलो ऊंच नीच ब्राह्मण तो करते हैं तो ना समझ, अनपढ़ आदमी, बेवकूफ आदमी है, या उसको कह सकते हैं सबसे बड़ा अगर अज्ञानी है तो ब्राह्मण है। हाँ जी, हाँ जी, ये चैलेंज भी हम कर सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर दुनिया का कोई बड़ा अज्ञानी है तो ब्राह्मणिज्म है जी। कोई उनको इसका ज्ञान नहीं है तो हम इसके लिए डिबेट के लिए भी रेडी बैठे हैं। अगर पूरी वर्ल्ड के अंदर, भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किसी को लग रहा है कि हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा इंसल्ट करना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सभी मनुख बैठे हैं, सभी उनकी बाणी है, संत रविदास जी की, संत कबीर जी की, संत फरीद जी की, संत नामदेव जी की, गुरु साहब की जो गद्दी के वारस थे उनकी तो छह जानों की वाणी जी। लेकिन जो 29 पीपल ने, 29 महापुरुष ने, वो तो अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग कम्युनिटियों में, अलग अलग दूसरे में से जी। तो गुरु ग्रंथ साहब में जितने कि मेरे को समझ है, एक भगत ब्राह्मण भी था जी जी। इसमें सवाल किसी को ये नहीं है कि ब्राह्मणिज्म की हम इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सिखों में, क्रिश्चियनों में, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, इवन के अंबेडकरियों के अंदर, जो अपने सो जो दूसरे वाले को छोटी जात का समझ रहा है,
वो सेम काम कर रहा है जो ब्राह्मण का ब्राह्मण संपन्न कर रहा है। ये सवाल वैसे मेरा अगला आने वाला सवाल था, मैं लेकिन अपने पहले टच कर रहे हैं, लेकिन इसको और भी थोड़ा खुलासे करना चाहता हूँ, सवाल को और भी खुला करना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि अंबेडकरवादी की बात करिए अपने और लीडरों की बात करिए, जैसे भवन मिश्रा बहुत सारे लीडर हैं, तो आपने बाम सेब के साथ में बहुत मतलब चार पाँच तीन तकरीबन दो तीन साल काम किया लगातार, तो इससे आप उनसे मिले हैं, तो जब उनके अंदर जो चीज़ें देखी है आप लोगों ने, तो क्या महसूस करते हैं कि जो भवन मिश्रा का रवैया है या बहुत सारे जो लीडर हैं वो मिले हैं आपसे, उनसे तो उनके अंदर ये चीज़ें देखी है ऊँची नीच की, या सिर्फ वो क्या क्या देखें, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, दो तीन साल नहीं, मैंने पाँच छः साल काम किया है जी। दो तीन साल तो चार तो मैंने प्रोग्राम अटेंड किए हैं उनके बाम सेब के। मैं तुम अपने नाम ही ले दिया, पर मैं नाम से ही कह देता हूँ कि बामन मेशराम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सूझवान, बहुत समझदार हैं कि अपने दुश्मन को ब्राह्मणिज्म को कैसे हैंडल करना है, और अपनी बड़ियों की ज्योतिराम फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और भक्त कबीर जी, रविदास जी, जिन्हों की मतलब बहुत उनकी विचारधारा को लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत मेरे को ठीक लगा सारा कुछ। जो चीज़ें हमारे एक लीडर के अंदर, एक संगठन के अंदर, एक उनकी विचारधारा है जो हम जिसको फॉलो करते हैं, अगर उसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकल में नहीं करते, कहने में हम कुछ और हैं और प्रैक्टिकल में और हैं, तो उसका असर पब्लिक में नहीं हो सकता जी। पब्लिक में असर वही होएगा जो तुम मुंह से कह रहे हो, और उसमें तुम्हारा स्टैंड क्लियर है। जो तुम मुंह से कह रहे हो, अगर हम ऊंच नीच को नहीं मानते, अगर तुम्हारा संगठन के अंदर बंदे बैठे हो ऊंच नीच को मान रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण को किस विचारधारा के आधार से तुम साबित करोगे कि वो गलत है? तो मैं जितना टाइम काम किया 6-7 साल के अंदर, मेरे को इज टू ह्यूज के बहुत बड़ा देखने को मिला कि डिस्क्रिमिनेशन, बंदे को बंदा नहीं समझना, कोई जवान के पक्के नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ऐसे संगठन नहीं चलते। ऐसा कुछ टाइम लिए अच्छा लगता है, कुछ टाइम के लिए एक कनरस होता है भी शायद दुनिया का डेड लाइन यही होती है या डेड एंड यही है, इसके बाद में दुनिया खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसमें सबसे पहला अगर डिसिप्लिन है, अगर भेदभाव है, वो घर से ख़त्म होगा। सो घर क्या है? वो जो अपने लोगों के, अगर 20 बंदे का संगठन है, 100 बंदे का संगठन है, 200 बंदे का संगठन है, वो तो एक परिवार की तरह होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज आपने इसमें बहुत बढ़िया मतलब बात रखी है कि इंटेलिजेंट भी है, आपने ये बोला है सिकंदर भी। हाँ जी हाँ। तो आप इसको इंटेलिजेंट समझते हैं बहुत? कि मेरा मतलब हमारा किसी का पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं कि किस विचार मतलब किस कैसी कैसी बातें रखते हैं लोग, कैसी कैसे में इनकी तरफ से इंटेलिजेंट है वो। एक आपने वीडियो देखी होगी पिछली बार, एक वीडियो के अंदर वो कहते हैं पत्रकार को जूते संभालने की बात करते हैं, जबकि वो बहुजन समाज का पत्रकार है और वो खुद भी बहुजन, तो वो जूते से मारने वाली बात इंटेलिजेंट बंदा कर सकता है क्या? जैसे आप इसको क्या कहें? ओके, इंटेलिजेंट का मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट और मनुखता का स्टैंडर्ड है, जो ह्यूमन का स्टैंडर्ड है, जो इंटेलिजेंट मीनिंग है, बिदा का मीनिंग है कि उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज। इंटेलिजेंट का मीनिंग ये होता है कि उसको बहुत चीज़ों की नॉलेज है, पर वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी पर्सन। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि ये अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट होना तो जो साइंस टेस्ट है, बहुत बड़े साइंस। जितने लोगों ने दुनिया में जुल्म किया, हिटलर को पढ़ोगे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पर उसने क्या किया? और जितने लोगों ने अत्याचार किया उनके इतने इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट से आज भी हैं। बिल गेट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सॉफ्टवेयर का फाउंडर है वो। ये समझने वाली बात है कि इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी हो। अच्छा इंसान भी हो, ऐसा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना हमारा महापुरुषों से जो डायरेक्शन आ रही है जी, कहाँ से आ रही है? जो जहाँ से डायरेक्शन
महात्मा फूले ने ली, जहाँ से डायरेक्शन बाबा साहब अम्बेडकर ने ली, वो ऊपर से अनुभव से महापुरुषों से आ रही है। सबसे नंबर वन प्रायोरिटी अच्छा इंसान होना जरूरी है। अच्छा इंसान होने में बराबरता जरूरी है। बराबरता में होना भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। भेदभाव को खत्म करना, जात पात को खत्म करना, ये रिक्वायरमेंट है अच्छा इंसान होने की। अच्छा इंसान होने में और इंटेलिजेंट और दूसरा होने में टोटली डिफरेंट है। जे हो तुम वीडियो की बात कर रहे हो, मैंने देखी है। सो मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूँ, किसी को इंसल्ट करना, किसी को रिस्पेक्टेड पर्सन को कुछ कहना वो ठीक नहीं है, वो 101% गलत है। जो संगठन का मेन बंदा एक बंदे को ये चारण करे कि तेरे को तो जूता लेके मारना चाहिए, सो मैं समझता हूँ ये बहुत घटिया। अच्छा इंसान बनने के लिए टाइम लगेगा, तो बराबरता लाने के लिए टाइम लगेगा। अगर हम संघर्ष करने वाले बंदे ऊंच नीच कर रहे हैं, तो तुम ऊंच नीच की लड़ाई किसके साथ लड़ रहे हो? मैं आपके के ऊपर ही निगरा छोड़ देता हूँ। ये बहुत सारे सोचते हैं कि हम नीच मानोगे, अपने आप को नीच मान लेते हैं। बहुत सारे इन लोगों संगठन देख लो, आप लोग जैसे दलित दस्तक है, बहुत सारे दलित पत्रिका निकलती हैं, बहुत सारे मतलब ये अपने नाम करके कोई मेसराम लगा घूमता, कोई छबरिया, कोई कुछ, कोई कुछ है, मतलब जात पात से दुखी भी है और उसको पीछे बांध के भी घूम रहे हैं और कहते हम जात पात से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये इसमें देखो क्या समझ क्या ओके सरदार मेघनाथ सिंह जी, कई चीज़ों बड़ी सेंसिटिव होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, पर मेरे को तो आपने वहीं फंसा दिया है कि मैं जवाब कैसे दूँ। अगर मैं मीडिया में हूँ बोलूँगा या कहूँगा तो इस बहुत दर्दनाक है, पर सच बोलना, एक डॉक्टर अपने मरीज से अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो गिल्टी होएगा, कसूरवार होएगा। सो मैं चंद शब्दों में ज़रूर खोलूँगा इस बात को। जो आपने बात की है कि दलित दस्तक, एक तरफ हम कहते हैं कि दलित गाल है, उसको माड़ा समझते हैं जी। एक तरफ हम जात पात से पिछड़ना दूसरा करना चाहते हैं कि हमारे हमारे को छोटा समझा जाता है, ठीक है। अगर हमारे को छोटा समझा जाता है दलित के शब्द से या किसी और शब्द से, या हम ये दावा करते हैं संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा हुआ वो अटल सच्चाई नहीं है कि उसके बाद में सच आना दुनिया में बंद हो गया, ऐसा नहीं है। सच आना बंद नहीं हुआ, डिफरेंट टेक्निक नहीं आ जाती है मार्केट के अंदर, सच की डेफिनेशन नहीं बदलती। एक तरफ तो हम दलित गाल समझते हैं, एक तरफ तो हम दलित माड़ा शब्द समझते हैं, जात पात को माड़ा समझते हैं, और जब तुम सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो तुम बड़े प्राउडली कहते हो हम स्टूल कास्ट हैं। स्टूल कास्ट के अंदर जितनी भी जातें आती हैं वो क्या है? जब हम कुछ और लेने जाते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, उसमें जो हमारे लेकिन फायदे के लिए हम जात को यूज कर लेते हैं, पर जब तुम्हारे को वही नाम लेकर संबोधन होके बोलता है तो हम कह देते हैं हम छोटी जात के, अब हमारे पास भेदभाव होता है। एक बात, दूसरी बात, कितनी शर्म की बात है, अदर बैकवर्ड क्लास कितना माड़ा, कितना भेड़ा, कितना गंदा शब्द है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसका मीनिंग क्या है? पछड़ा हुआ वर्ग। मैं आपको सुनने वाले को ये पूछना चाहता हूँ, पछड़ा हुआ कौन होता है? जो धागा इसलिए बांध लेता है कि मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, ये अच्छे की निशानी है। बिल्ली इसलिए नहीं काट गई तो रास्ते में रुक जाता है, वो पछड़ा हुआ है। दरख्त को वो पानी डाल रहा है, किसी काले कपड़े को टूना जादू कर रहा है, कोई तबीयत गले में डाल रहा है, कोई किसी चीज का श्राद्ध कर रहा है। पछड़ा हुआ वो लोग होता है जिसके काम आज से 2000 साल पहले वाले हैं। आज दुनिया तुम्हारे बच्चे
हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो पानी भी नहीं चढ़ाते, वो धागा भी नहीं डालते, बिल्ली से भी नहीं डरते, कुत्ते से भी नहीं डरते, गधे से भी नहीं डरते, तो पछड़ा हुआ कौन है? ये मैं सवाल के रूप में ही छोड़ देता हूँ आपको, कौन है पछड़ा हुआ? पछड़े हुए लोग वो आ जो नॉनसेंस बातें करते हैं। जो डेवलप हो चुके हैं वो पछड़े हुए नहीं होते, वो अगां बधे हुए लोग होते हैं। ये शब्द ही गलत है जी जी। और ये करें दूसरी बात देखिए इसमें कि ये तो चलो अज्ञानता की बात होगी, सारी सारी तकरीबन तकरीबन जो मतलब कुत्ते बिल्ली जितने भी अपने गिरवाए हैं ये अज्ञानी लोग मानते हैं, जो पाखंडवाद फंसे हुए लोग वो मानते हैं, बाकी जो समझदार जिनका दिमाग डेवलप होगा वो नहीं मानते इस चीज़ को, ये कहना चाहते हैं ना? नहीं मेरा नहीं, मैं थोड़ा कन्फ्यूज क्योंकि इसको बहुत लंबा टाइम चाहिए इस चीज़ को खुलासा करने के लिए। पछड़े हुए का मतलब है कि बंदा जिंदगी से पछड़ गया। मैं अमरीका की बात बताता हूँ, अमरीका में बहुत सारे कबीले आज भी है, आज 2024 में मैं उन एरियो में अपना ट्रक लेकर जाता हूँ, मैंने अखाओं से देखे है, नेक्स्ट टाइम मैं कंप्यूटर से निकाल के आपको दे भी दूंगा, तुम शेयर कर सकते जी जी। वो लोग घर में टीवी नहीं लगाते, वो उन्होंने पुरानी परंपराओं को संभाल के रखा है, उनके घर में टीवी नहीं होता, उनके घर में फोन नहीं होता, उनके घर में गाड़ी नहीं होती, उनके घर में जो नई टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ है नहीं होती, वो पुरानी चीज़ें यूज करते हैं, उनके बच्चे वो शादी उन जगह में करते हैं जो उनकी अगली फैमिली सेम लाइक दैट। तुम उनको पछड़ा शब्द बरत सकते हो यार, ये जिंदगी में पछड़ गए, जो दुनिया के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो पछड़े होते हैं। मेरा तुम्हारी बात का ये कहना चाहता हूं कि पछड़े हुए लोग वो हैं जो बिल्ली से डर रहे हैं, पछड़े हुए लोग वो हैं जो वीरवार को कपड़े नहीं धोते, पछड़े हुए लोग वो है जो वो बहम भरम, और बहम भरम का अगला स्टेप है कि वो बंदा डरा हुआ है कि मैं पछड़ गया जिंदगी में। तुम पछड़े हुए हो यार, तुम्हारे अंडर 200 बंदा काम कर रहा फैक्ट्री के अंदर, तुम टॉप के इंजीनियर हो, तुम पछड़े हुए हो या आगे बढ़े हुए लोग, तो फैसला तुम आप ही कर लो इस बार। वो शब्द ही गलत है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शब्द है, दैट्स फाइन, उसके ऊपर स्ट्रगल हो सकता है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसके ऊपर सोचा जा सकता है, पर उसके ऊपर अपने आप को माना नहीं जा सकता कि मैं बैकवर्ड हूं। ये दो अलग अलग चीजें। हाँ जी, तो जैसे मतलब अगर भेदभाव की बात रखते हैं, मतलब ये तो सारा क्लियर कर दिया आपने, मैं पिछड़ा हुआ क्या मतलब है, पिछड़ा हुआ कौन है, सही कौन है जी। तो जैसे भेदभाव की बात रखते हैं, ये भी भेदभाव बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वो एक रमा मैडम जिससे मैं बात कर रहा थी, आपको शायद याद होगा, वो उन्होंने एक अपने आंखों से देखा स्टेडियो के ऊपर जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो उनको 5-5 लाख रुपये का या 1 लाख रुपये का टिकट वो चेक देते हैं, 50,000 का चेक देते हैं, उनसे तो वो मतलब जफ्फी पा कर उनके मतलब फोटो खिंचवा लेते हैं, पर जो बेचारे 500 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, ये बेवकूफ़ी है या छुआछूत है या भेदभाव, क्या कहना चाहेंगे? देखो इसका मकसद आंसर एक ही बात में है कि जो हम सवाल करने का तरीका है ना, वो हम हौली हौली, पहले तो हम अपने आप को मान ही लेते हैं कि हम छोटे हैं, पहली बात जी। दूसरा हम सवाल नहीं करते, जो लीडर है, कोई संगठन है, कोई भी है, उनके लिए सारे बंदे बराबर होने चाहिए, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। अगर फोटो खींचने का कल्चर 10 लाख वाले बंदे के साथ है तो 10 रुपए देने वाले का भी स्टैंडर्ड सेम है। गुरु नानक के कर सिखों के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ना ही वो पैदा होने देते हैं और ना ही पैदा होए। अगर कोई मिलियनेयर बंदा है वो भी लंगर में बराबर बैठ के रोटी खाएगा जी। अगर कोई गरीब है, कपड़े पाटे हुए हैं, चप्पल नहीं है, वो भी बराबरी बैठ के खाएगा, उसका ये मतलब नहीं है। हाँ ये मतलब ना कि दरबार साहब अमृतसर में या किसी और जगह के वो कि उनको अलग रास्ते से ले जाया जाता, अलग बिठाया जाता, वो का कारण सेफ्टी कंसर्न होता है,
उसका कंसर्न, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसका मतलब भेदभाव नहीं होता। भेदभाव का मतलब होता है कि हम सारे जो छोटा और बड़ा समझना, छोटा और बड़ा जब हम समझते हैं तो अपने संगठन का, अपने लोगों का, आप ही हम मनोबल मनोबल जो है तोड़ रहे होते हैं। जी जी जी। तो अगर हमने मतलब अपने हम दोस्ती स्टार्ट की थी बाम सिंह के साथ में, और इसको हमने हमने लेवल जो पीछे सोचा था कि ये छुआछूत भेदभाव ख़त्म करके इनको बराबर खड़ा करके रखे तो एक संगठन जो चल रहा है संघर्ष को और भी बढ़ाया जा सके, तो अगर वो दोस्ती आज कायम होती है सिखों के साथ में, जैसे आप लोग सिखों ने मतलब जो है ना बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, पार्लियामेंट जो अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर आगाज भी हो चुके हैं और काफ़ी मतलब सिखों ने बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, क्या इस डेवलपमेंट का मूल निवासियों को फ़ायदा होता अगर वाउन में इस्लाम की दोस्ती आज हमारे साथ होती है वहाँ तक होती, तो क्या इसका मतलब क्या रिजल्ट आता आज की डेट में? नहीं, उसमें देखो बामन मेशराम की या बाम सेव की आज हम आज भी सत्कार करते हैं और आज भी हमारी दोस्ती ऐसे ही है। हाँ ठीक है, लेकिन वो अलग सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो कंटिन्यू काम करते हमारे साथ, अंबेडकरवादी चाहे वो मूल निवासी कह लेते हैं या भारत का बहुजन समाज समझ कह लेते हैं, उतनी देर दलदल से नहीं निकलेगा जितनी देर अपने कॉज के लिए, अपने मिशन के लिए सारे बंदों की सोच एक नहीं होती। लेकिन जे सिखों का मुकाबला तो क्या मतलब, अभी सिखों के काम करने के तरीके से हजारों को पीछे खड़े हैं, हजारों, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, हजारों को पीछे खड़े हैं क्योंकि मैंने साथ में काम किया। इंसल्ट मैं किसी की नहीं करना चाहता, लेकिन ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आज भी हमारा जो हाथ है, हमारे जो कड़ावा है रेडी है कि हम इकट्ठे होकर बहुजन समाज के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सिखों में जथेबंदियाँ हैं, संगठन हैं, जो अलग अलग खिंचा तो हुआ कह लो भी, एक दूसरे को पसंद ना करना, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे को दूसरा करना है, वो सभी में होता है और होना चाहिए और हुए। मेन बात है कि अपने मिशन के लिए दुश्मन सर्टिफाइड है, जब दुश्मन सर्टिफाइड है तो तुम्हारे को जो डिसाइड करना पड़ेगा मेरा दुश्मन बड़ा कौन है या मेरा दुश्मन बड़ा अपने अपने वर्ग के लोग। सिखों में ये क्लियर है, बड़ा दुश्मन दुश्मन ही है, हमारे जो छोटा दुश्मन है आपस में हमारे विचार मैच नहीं करते, ये हम लड़ाई बाद में करेंगे जी। पहले दुश्मन को टारगेट करो। अंबेडकरवादियों में, बहुजन समाजवाद में बाद में क्या बात, क्या चीज है कि दुश्मन की को टारगेट करने की बजाय वो एनर्जी है जो वो दूसरे की टांग खींचने में लगाते हैं, दूसरे को नीवा दिखाने में लगाते हैं, दूसरे को जलील कैसे करना उसमें लगाते हैं। उसका रिजल्ट अभी जो इलेक्शन हो रही है उसमें देखा होगा, पहले भी यूपी में हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, 40-40 साल लोगों को संघर्ष करते हो गए, कितने बंदे हैं तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट में? अगर मेंबर पार्लियामेंट में तुम्हारे बंदे हैं बहुजन समाज के, तुम्हारे लिए बात क्यों नहीं करते? तुम्हारा तो राष्ट्रपति बहुजन समाज का बना हुआ है। चलो राष्ट्रपति की हम नहीं भी बात करते, मेंबर पार्लियामेंट में कितने बंदों ने किसी चीज की आवाज उठाई जी? सिखों का दो बंदे भी मेंबर पार्लियामेंट में है ना, या एक बंदा भी पार्लियामेंट में है तो वो आवाज उठाता अपनी कौम के लिए। दूसरी बात, मिशन के प्रति वफादारी जरूरी है, मिशन के प्रति वफादारी चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो एक ही है, अपने लोगों के साथ, अपने बहुजन के साथ सत्कार, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, कोई बात नहीं अगर मेरी तेरे से दुश्मनी है, तेरा बंदा मेंबर पार्लियामेंट बन गया कोई बात नहीं, मेरी बात वो नहीं भी करेगा, मेरे लोगों की बात तो करेगा, मेरे समाज की बात तो करेगा। अगर तेरे बंदे बहुजन समाज के हैं, मेरे बंदे भी बहुजन समाज में हैं, मैं घृणा कर रहा हूँ तो तुम काम किसका कर रहे हो? काम तो तुम दुश्मन का कर रहे हो, वो जी अपना काम थोड़ी कर रहे हो, तुम दुश्मन की जॉब कर रहे हो।
दुश्मन की जॉब नहीं करनी, दुश्मन को टारगेट करना है। तो ये फर्क है सिखों का और बहुजन समाज का। दूसरा मैं करके समाप्त करता हूँ, दूसरा फर्क है कि मिशन के लिए का दूसरा करना। अभी तूने दो दिन पहले देखा कि जिन्होंने प्रोग्राम लिखा मनहट्टन के अंदर, उनके साथ की दूजी जथेबंदियां कोई सहमत नहीं है जी जी, लेकिन सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। फिजिकल तौर पे दूसरी नहीं है, मतलब दुश्मनी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब लाग डाट है, बोल वाली नहीं है। लेकिन जब मिशन की बात आती है कि दुश्मन एक है। हुण बहुजन समाज में क्या होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग इसलिए दोस्ती में पीछे हट जाते हैं कि तुम दूसरे बाम से को क्यों मिले, तुम दूसरे बंदूकों क्यों मिले, तो दो तुम दूसरे से बातचीत क्यों की, इसलिए दोस्ती के लिए या इसलिए पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब कि एक गुलामी को हटाकर हमारी गुलामी करो। जेल बदलने से जेल की डेफिनेशन नहीं बदलती। अगर तुम्हारी जेल भोपाल में है, तुम्हारे को ले आके पंजाब में बंद कर दो, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, वो गुलामी डेफिनेशन सेम ही अप्लाई होगी। अगर आपको दिल्ली की जेल से बदल के अमेरिका की जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल की डेफिनेशन बदलेगी नहीं। अगर तुम जेल की डेफिनेशन इंडिया के किसी भी जगह से बदले, बंदे को उठाकर जापान की जेल में बंद कर दो, जेल की डेफिनेशन गुलामी रहेगी। ऐसी तरह अगर जे संगठन के लोग अपने लोगों को गुलाम रखने के लिए, भेदभाव करने के लिए, जातवाद करने के लिए ओपन माइंड नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि एक पिता एक सके बारक, एक सके सब बारक, अगर सभी को भाई नहीं समझेंगे, सभी को अपना नहीं समझेंगे, सॉरी टू से मेघराज सिंह, कुछ भी होने वाला नहीं। जी जी, बहुत काम की बात रखी है सब किस्म वाले, जितने काम की बातें ध्यान से सुने उनको, ध्यान से सुनने के बाद में ही तब्दीली आएगी। तो लास्ट सवाल मेरा यही है कि जैसे हम जब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर खत्म करेंगे इसको, भेदभाव छुआछूत और ये जो नीच ऊंच नीच है, इसको हम कुर्बानी के थ्रू या मतलब किस तरीके से ख़त्म कर सके ताकि लोगों को एक नया रास्ता मिल सके और लोग अपने ज़िंदगी से एक खुशी की ज़िंदगी जी सके, ताकि आने वाला भविष्य उनका सुनहरा हो। जी, उसमें मेघना सिंह जी ऐसा ही है भी, पहले तो अपने आप के लिए सीरियस हो। जो जवान के कच्चे हैं वो ईमान के कच्चे हैं, जो अमान के कच्चे हैं उनका जीवन बदलेगा नहीं। अपनी जवान पे ऊपर जो आपने बोला कि मैं कल 10 बजे मिलूंगा, इट मीन्स कि मैं 10 बजे मिलूंगा। एक ये मैंने बोला मैंने कॉल करूंगा, तो मैंने कॉल करनी है। अपना जीवन बदलें, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। सभी बंदे परमात्मा के पैदा हुए हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीमा नहीं है, सभी परमात्मा के पैदा हुए बंदे हैं। उनके साथ मोहब्बत करेंगे, उसमें वही परमात्मा बैठा जी। तो यही चीज सब, जब हम सभी के साथ ऐसे हाथ मिला लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सभी उसके बंदे हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आनी स्टार्ट हो गई। जी जी, जैसे गुरबाणी के अंदर लिखा है, एक पिता एक उसके अंबारी को मेरा गुरु हाई। जैसे गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि नीचे अंदर नीच जात नीची हूँ और नीच नानक तिनके संग साथ बढ़िया दूरी से, मतलब अगर कहना है मतलब ये कि जो महापुरुष है उनकी बख्शीश उनकी कृपा उन्हीं के ऊपर होती है, जो सच्चे ईमानदार के रास्ते चलेंगे, एक दूसरे को भाई भाई समझे। जी जी जी, तो थैंक यू सुखिंदर सिंह जी, तुम्हें साढ़े स्टूडियो अंदर आए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बेबाक आवाज़ बेधड़क आवाज़ को ऐसे खुला करेंगे जी। थैंक यू जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।